टू निटिंग फैशन चैनल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इजी पैटर्न बताऊंगी जो कि आप लेडीज़ कार्डिगन और जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, और ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए, ये मेरी खुद की स्वेटर है और इसमें ये पॉकेट्स भी हैं। देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन है, बहुत ही इजी है ये। देखिए, अभी मैं एक बना रही हूँ स्वेटर एक बॉय की, उसमें भी मैंने यही पैटर्न डाला है और ये बहुत अच्छा रेडीमेड का लुक देता है। और इसमें इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए होते हैं वो ऑड नंबर में चाहिए होते हैं, तो आप भी इसको बना सकते हो और ये बहुत अच्छा रेडीमेड का लुक देता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैं ये जो स्वेटर बना रही हूँ ये उसकी बाजू है, थोड़ी सी मैंने बना ली है, तो मैं इसी में आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न किस तरह से बनेगा। देखिए, इसके लिए ऑड नंबर्स चाहिए होते हैं ताकि इनके एजेस बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। ये इसकी फर्स्ट नीडल, फर्स्ट तो हमने ये सीधा करके सीधी सिलाई में ऐसे ही उतार लेना है, फिर आगे ये धागा आगे करना है और ये उल्टा बुनना है। अब फिर ये पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ट्रिक यहाँ पे है, कैसे करना है। देखिए, ये इस तरह से नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे इसके ये जो बीच में इधर नीचे वाला जो फंदा है ना, देखिए आपको दिखाती हूँ, इसका ये यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है और फिर ये ऐसे और ऐसे निकाल देना, तो हमारा ये बन गया। फिर नेक्स्ट फिर उल्टा बनाना है, फिर पीछे लेके ये सीधा ये जो है धागा, जो ये फंदा है इसके यहाँ नहीं डालना है, इसके यहाँ नीचे वाले फंदे में डालना है ऐसे और ये ऐसे। देखिए, ये सारा ऐसे ही बनेगा, एक उल्टा सीधे के टाइम पे ये इसके नीचे से लेना है, फिर ये उल्टा, फिर ये ऐसे नीचे से सीधा। बेसिकली ये एक सीधा उल्टा का ही है, बस एक ट्रिक है छोटी सी जिसके कारण ये बहुत अच्छे से बनता है और ये स्ट्रेचेबल होता है। तो इसमें थोड़े से फंदे नॉर्मल स्वेटर से कम डलते हैं, 4-5 फंदे। देखिए, इसको नीचे से ऐसे लेके फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा, फिर उल्टा, और फिर इसको देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ये यहाँ से इसको नीचे डालना है सीधा। अब हमने ये पूरी की पूरी ये वाली जो रो है ऐसे ही कंप्लीट करनी है, इसको नीचे से लेके। देखिए, अब हम इसके लास्ट तक आ गए, तो फिर ये ऐसे ही है, ये उल्टा और फिर इसको ये यहाँ से नीचे लेना है सीधा, फिर उल्टा और हमारा लास्ट वाला जो है वो सीधा आएगा। अब इसकी जो हमारी ये बैक वाली रो है ये हमने सारी उल्टी ही बनाई है। ये सारी ही रो हमने उल्टी बनानी है। बस हमारी ये दो लाइन का ही पैटर्न है, सीधी में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है और उल्टी साइड से ये उल्टा ही बनाना है। और ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा बनता है और ये स्ट्रेचेबल बनता है। तो आपने ये इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाना है और सीधी वाली रो में फिर से वैसे ही करना है। तो देखिए ये इतना सुंदर, देखिए ये स्ट्रेचेबल है, ये बहुत अच्छा बन के आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।